बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चने का पुलाव। चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक किलो हमने चावल लिए, एक किलो मुर्गी का गोश्त लिया है, 3 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर, 2 अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्ची। चने हमने उबाल लिए हैं, हम चूल्हा जलाते हैं। सबसे पहले हम घी ऐड करेंगे, चीनी 4 चम्मच घी ऐड करेंगे, प्याज ऐड कर देंगे, प्याज को मिक्स तरीके से ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसमें मसाला ऐड कर देंगे। अब 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी का ऐड कर देंगे, लाल मिर्ची के 2 चम्मच ऐड कर देंगे, लाल टमाटर भी ऐड कर देंगे, लाल मिर्ची के हमने 2 चम्मच ऐड किए हैं, आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। अब गोश्त भी हम इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे तरीके से ऐड कर लेंगे। ढक देंगे और वक्त से चम्मच हिलाते रहेंगे। तो बहुत अच्छी आ रही है, बहुत प्यारी आ रही है। ये देखें कि थोम अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये जो हमने चने उबाले थे वही पानी हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमने चने अच्छे तरीके से पहले धो लिए थे। ये पानी बिल्कुल साफ़ है, इसका जायका जो है ये ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पानी ये कम था, थोड़ा सा हम दूसरा भी ऐड कर लेंगे।
ये थोड़ा सा आलू बुखारा, बड़ी इलायची एक लौंग ये भी ऐड कर देंगे। नमक की मकदार चेक कर लेंगे। जो हमने चने उबले हुए थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे। जितनी देर इसको उबाला आ जाता है उतनी देर में हम चावल धो लेते हैं। तो उबाल आ गया, चावल हमने धो लिए, अब इसमें ऐड कर देंगे। दो मिनट के वक्त फिर चम्मच ही लाएंगे। अब हम इसे दम लगा देंगे। फिर 10 मिनट के लिए हम इसे उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से दम हमने खोल दिया। ये देखिए सर कैसे बने हैं? मजेदार मजेदार। आओ मेरे पास आओ।